जहां हम हमेशा किडनी के मरीजों के लिए स्वस्थ और बेहतर आहार की जानकारी देते हैं, साथ ही हम ऐसे आहार को बनाने की विधि के बारे में भी आपको बताते हैं जो किडनी मरीज खा सकते हैं। हम किडनी मरीजों के लिए आज फ्रूट सलाद की विधि लेकर आए हैं जिसको बनाना बहुत ही आसान है। आज हम एक हेल्दी और पौष्टिक विषय पर बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, इससे आप हमारे द्वारा दी जाने वाली जानकारी आसानी से पा सकते हैं। किडनी के मरीजों को सबसे ज्यादा जरूरी होता है उनका आहार, जो कि उनको स्वस्थ रहने के लिए बहुत आवश्यक होता है। किडनी के मरीजों को उनके इलाज के दौरान सबसे पहले अपने आहार में ही परहेज करना होता है। किडनी का काम शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर करने का होता है। जब आपकी किडनी स्वस्थ होती है तो आपका शरीर स्वस्थ होता है, और जब आपकी किडनी किसी कारण से अस्वस्थ हो जाती है तो इससे आपका स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है। किडनी को स्वस्थ रखने के लिए आपको अपने आहार में बदलाव करने पड़ते हैं। जिन्हें किडनी में समस्या हो जाती है उन्हें जंक फूड और स्पाइसी फूड पूरी तरह वर्जित होता है, और मरीज इस बात से काफी परेशान भी होते हैं। जब मरीज औरों को ऐसा भोजन करते हुए देखते हैं तो उन्हें बुरा भी लगता है, और ये स्वाभाविक बात भी है। किडनी के मरीजों को आहार में कुछ फलों का सेवन लाभदायक होता है, तो वो अपने आहार में फलों को शामिल कर सकते हैं, जिसके लिए वो फलों का सैलेड बनाकर खा सकते हैं, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। आइए आपको बताते हैं कि किडनी के मरीज फ्रूट सैलेड में किन फलों को शामिल कर सकते हैं। सेब, लाल अंगूर, बेरी, पपीता, अनानास, अमरूद बीज निकालकर, सेंधा नमक स्वाद अनुसार। आपको ध्यान रखना है कि आपको फलों का सेवन कितनी मात्रा में करना है, ये डॉक्टर या डायटिशियन के अनुसार निर्धारित होता है। इसलिए पहले आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि किडनी के मरीज को कितनी मात्रा में फल देना है, तो आप सभी फलों को उतनी ही मात्रा में लें। जैसे मान लीजिए कि डॉक्टर ने किडनी के मरीज को ये निर्धारित किया है कि उन्हें सुबह केवल एक कटोरी फ्रूट ही खाना है, तो सभी फल को मिलाकर केवल एक कटोरी फल ही होना चाहिए। सबसे पहले सेब को एक निश्चित आकार में काट लें। आप चाहें तो अंगूर को बीज से काटकर दो भाग कर सकते हैं। अंगूर और बेरीज 6-7 से ज्यादा न लें। इसके बाद पपीता, अनानास और अमरूद भी काट लें, लेकिन ध्यान रहे कि अमरूद के बीज निकाल दें। फिर इसमें सेंधा नमक स्वाद अनुसार मिला लें। आप स्वाद के लिए काली मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, जो कि बहुत कम मात्रा में डालना है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि काली मिर्च का सेवन भी सभी किडनी के मरीज नहीं कर सकते। जिन्हें डॉक्टर अलाउ करते हैं वो ही इसका सेवन कर सकते हैं। लीजिए, फ्रूट सैलेड तैयार है। आप फ्रूट सैलेड को नाश्ता करने के 2 घंटे बाद खाएं और लगभग 1.5 घंटे बाद खाना खाएं, पर आपको फ्रूट कितनी मात्रा में लेना है ये डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लें। तो ये थी फ्रूट सैलेड की आसान विधि जो किडनी पेशेंट्स खा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और साथ ही इसको शेयर करना ना भूलें। इसके साथ अगर आप हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मैं फिर आऊंगी एक नए आहार की विधि के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छा, बीच में कम हो गया था, 1.08 भी आ रहा था, अभी 9 आ रहा था, फिर और बढ़ने लगी हो गया। अच्छा, तो अब तो काफी इम्प्रूवमेंट है, पहले से कंट्रोल्ड हुआ है, पहले से कंट्रोल हो रहा, रुका हुआ है तब, रुक गया। और आपने आपने GFR का भी टेस्ट कराया था? GFR भी कराया। फिजिकल लेवल पर कैसा लग रहा है? फिजिकल ठीक है, फिजिकल में दिक्कत नहीं है, थोड़ा पहले से स्वस्थ महसूस कर रहे हैं, फिट महसूस करते हैं। हाँ, फिट महसूस। क्या बताया था डॉक्टर से जब उनको पता चला था यहाँ? डॉक्टर ने बोला इसका कोई इलाज नहीं, एलोपैथी में बोला कोई इलाज नहीं होगा। अच्छा, ठीक है। अभी मैंने एक अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें अंतर आया। ठीक है, तो काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट आया, अल्ट्रासाउंड के अंदर भी साइज इम्प्रूव हुआ है। अल्ट्रासाउंड कहाँ से आपने कराया? तो ये इनकी क्रिएटिनिन की रिपोर्ट है। पहले क्रिएटिनिन 2.2 था और यूरिया जो था वो 70 के आसपास है। कहाँ से कराई थी टेस्ट आपने? कमांड हॉस्पिटल लखनऊ, कमांड हॉस्पिटल। उसके बाद इन्होंने कराया, 1.9 की रेंज में आ गए, यूरिया भी रिड्यूस हुआ, 54 के आसपास आ गया। GFR का इन्होंने टेस्ट कराया है, ये कहाँ से? हमने बताया था कराने के लिए GFR तो मेरे कमांड हॉस्पिटल ने बोला, कमांड से 35.98 था GFR इनका, लेफ्ट किडनी 18 और राइट किडनी 17। उसके बाद कराया, अभी जो लेटेस्ट इन्होंने कराया, इसका जो GFR हो गया 43 हो गया इनका, बढ़ के किडनी का जो फंक्शन है वो इम्प्रूव किया। कमांड हॉस्पिटल में दिखाई थी रिपोर्ट? हाँ, दिखाई। क्या बोले वो? कोई इलाज नहीं बोल रहे, पहले बताया था इलाज नहीं है इसका। अच्छा, अब तो काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट आ रहा है आपको। अच्छा, और इसके साथ साथ इन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया, अल्ट्रासाउंड में किडनी का साइज इनका हम देखेंगे, पहले कितना था और अब कितना। राइट किडनी 7.3 और लेफ्ट किडनी 7.9।
माइनर वेरिएशन तो इसके अंदर आ जाती है, लेकिन इसमें किडनी का जो इनका साइज है वो अच्छा खासा इम्प्रूव हुआ है। ये इन्होंने टेस्ट कराया है नवंबर 2018 में कमांड हॉस्पिटल से, और अब एक इन्होंने कराया है 6 मार्च 2019, 8.7 हो गया इनका राइट किडनी का, और लेफ्ट किडनी का हो गया 9.2। काफी अच्छी इंप्रूवमेंट्स और रिजल्ट इनको आए हैं। ना केवल क्रिएटिनिन रिड्यूस हुआ है, किडनी का साइज भी इम्प्रूव हुआ है, और ना किडनी का साइज इम्प्रूव हुआ है, साथ साथ इनका GFR जो है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है, वो इम्प्रूव किया है। तो चारों तरफ से इनको किडनी के फंक्शन में इम्प्रूवमेंट्स विजिबल हुए, और किस किस प्रकार से नजर आए वो आपके सामने है। तो लग के इन्होंने सब चीजें फॉलो करी A to Z, और फिर इनको चेंजेस विजिबल हुए। कैसे स्टॉप किडनी